हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आर्ग्यूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और पहली क्लास में हमने किया था कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, सेकेंड पार्ट में किया था ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉरल आर्ग्यूमेंट। So the moral argument for the existence of God is a philosophical argument that poses the existence of God as the best explanation for the existence of objective moral values and duty. यानि यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल प्रिंसिपल हैं, ड्यूटी हैं, उनके एग्जिस्टेंस के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? गॉड है। इट सजेस्ट दैट द फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉरल प्रिंसिपल रिक्वायर्स अ ट्रांसेंडेंट सोर्स विच इज ट्रेडिशनली आइडेंटिफाई एज गॉड। द मॉरल आर्ग्यूमेंट हैज बीन डिस्कस्ड एंड डेवलप्ड बाय वेरियस फिलोसोफर एंड थियोलॉजिशियंस थ्रू आउट हिस्ट्री, एंड इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म। हियर इज अ जनरल वर्जन ऑफ आर्ग्यूमेंट लाइक ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू एंड ड्यूटी एग्जिस्ट। ये आपका फर्स्ट प्रेमिसेस है। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। दिस इज अ कंक्लूजन। सो द आर्ग्यूमेंट बिगिंस बाय असर्टिंग दैट देयर आर मॉरल फैक्ट्स दैट होल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन ओपिनियन और कल्चरल प्रैक्टिस। तो कहते हैं कि सबसे पहली प्रेमिसेस तो ये कि मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो किस पर डिपेंडेंट नहीं है, जो ह्यूमन ओपिनियन या कल्चर प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और सेकेंड प्रेमिसेस ये कहती है दीज ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज आर universal and binding for all rational being and suggest that foundation of objective moral value and duty requires a transcendent and unchanging source that provides a basis for moral objectivity. So God is posited as the best explanation for the existence of such objective moral principle. So the conclusion of the moral argument is that existence of objective moral value and duty provides evidence for the existence of God as the best explanation for their foundation. God is traditionally seen as the source of objective moral value and the ultimate ground for moral duties. This is a moral argument. बहुत simple सा है कि जितनी भी हमें यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव मॉरल प्रिंसिपल मिलते हैं, उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? ट्रांसेंडेंट होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, और ट्रेडिशनली वो कौन है? गॉड है। नाउ क्रिटिसिज्म। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज कल्चरल रिलेटिविज्म एंड सब्जेक्टिविज्म। क्रिटिक मे आर्ग्यू दैट existence of objective moral values and duty is a matter of philosophical debate. Critics argue that existence of diverse moral beliefs and practices across cultural and society challenge the idea of objective moral values. क्योंकि हम देखते हैं कि culture to culture moral values differ करती हैं, है ना? इसलिए कल्चरल रिलेटिविस्ट एंड सब्जेक्टिविस्ट मेंटेन दैट मॉरल वैल्यूज आर द रिलेटिव टू इंडिविजुअल्स और सोसाइटी एंड डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। तो उनका मानना है कि मॉरल वैल्यू क्या है, इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करते हैं या सोसाइटी या कम्युनिटी या ग्रुप पर डिपेंड करता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू नहीं होती। दिस इज कल्चरल रिलेटिविज्म। They maintain that moral value are constructed by human being and are not grounded in any transcendent source. So, कहते हैं कि moral value क्या है कि human ने बनाई है अपनी सहूलियत को देखते हुए, अपने norms को, अपने culture को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनाया है। कोई भी ऐसी value नहीं है जो universal हो, जो हर जगह applicable हो।
ये कल्चरल रिलेटिविस्ट का आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट. सेकेंड, वॉट इज द नीड फॉर डिवाइन फाउंडेशन फॉर ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू. अगर हम ये मान भी लें कि डिवाइन की ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू है, तो हमारा सवाल ये है कि उसके लिए डिवाइन फाउंडेशन मानने की क्या जरूरत है. सो क्रिटिक क्वेश्चन द नीड फॉर अ डिवाइन फाउंडेशन फॉर ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू. क्रिटिक में चैलेंज द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. दे आर्ग्यू दैट इवन इफ ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू एंड ड्यूटी एग्जिस्ट, चलो ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इट डज नॉट नेसेसरली लीड टू अ टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज एक्सप्लेनेशन. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गॉड ही उसका एक्सप्लेनेशन हो. अदर नॉन थीस्टिक एक्सप्लेनेशंस फॉर ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू सच एज सेक्युलर हाँ सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट सॉरी मॉरल सेक्युलर रीजन इवोल्यूशन रिमेन वायबल ऑप्शन ये भी हो सकते हैं. ठीक है, द पॉइंट इज कि ज़रूरी नहीं है कि आप मॉरल वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए गॉड को ही माने, उनकी कोई और भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, इवोल्यूशन थ्योरी हो सकती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सेक्युलर एथिकल थ्योरीज हो सकती हैं, ये सारे चीज़ हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं को माने जो हमें ये आर्ग्यूमेंट बता रहा है. सो फिलोसोफर लाइक इम्यूनल कांट प्रपोज दैट मॉरल प्रिंसिपल आर डिराइव्ड फ्रॉम रेशनैलिटी एंड कैटेगोरिकल इम्परेटिव रादर देन बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन अ डिवाइन फोर्स सॉरी डिपेंडेंट ऑन अ डिवाइन फोर्स. तो कहते हैं कि इम्यूनल कांट की मॉरल थ्योरी बहुत फेमस है, बहुत नोन है, और वो कहते हैं कि रेशनैलिटी ड्राइव करता है मॉरल प्रिंसिपल, कोई डिवाइन सोर्स नहीं. देन इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन फॉर मोरालिटी, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी कहा कि इवोल्यूशनरी थ्योरी के थ्रू भी हम मॉरल वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं. सो सम क्रिटिक प्रपोज इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन फॉर द इमर्जेंस ऑफ मॉरल बिहेवियर एंड नॉर्म्स इन द ह्यूमन सोसाइटी. दे आर्ग्यू दैट मॉरल वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स मे हैव इवॉल्व एज एडेप्टिव ट्रेड्स प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड एनहेंसिंग सर्वाइवल एंड प्रोडक्शन. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो सोसाइटी में सब साथ रहते हैं, तो वो कोऑपरेशन के फॉर्म में मॉरल वैल्यू इनहेंस होती हैं, है ना, कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना है. तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मॉरेलिटी कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ नेचुरलिस्टिक एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विदाउट द नीड फॉर अ डिवाइन फाउंडेशन. ज़रूरी नहीं उसके लिए डिवाइन फाउंडेशन की ज़रूरत हो. देन एपिस्टेमोलॉजिकल चैलेंज, द मॉरल आर्ग्यूमेंट फेसेस एपिस्टेमोलॉजिकल चैलेंज रिगार्डिंग हाउ वी कैन एक्सेस ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटी. हमें कैसे पता चलेगा, हम उसके बारे में हमें नॉलेज कैसे होगी ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज और ड्यूटी के बारे में. क्रिटिक आर्ग्यू दैट आर मॉरल इंट्यूशन एंड रीजनिंग आर फॉलिबल एंड कल्चरली कंडीशन, सो मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्लेम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी अबाउट ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रुथ और वैल्यूज़. तो ये मुश्किल है कि आप वैल्यूज़ को ऑब्जेक्टिव कहें, क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा कल्चरल रिलेटिविस्ट भी यही कहते हैं कि ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है कि किसकी क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं. तो हम कैसे जाने कि कोई मॉरल वैल्यू ऑब्जेक्टिव है, हमको कैसे पता चलेगा. देन प्रॉब्लम ऑफ इविल द मॉरल, ये हम टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में भी हम ये क्रिटिसिज्म कर चुके हैं, और वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे ये था कि इतना जो परफेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि एक गॉड है एक जो डिज़ाइनर की तरह काम करता है जिसने ये यूनिवर्स बनाया, लेकिन उसने ऐसा यूनिवर्स क्यों बनाया कि उसमें सफरिंग है पेन है. तो वहाँ पे तो हमने बहुत छोटे फॉर्म में की थी. अब बेसिकली ये जो क्रिटिसिज्म है वो इसी आर्ग्यूमेंट के लिए है. द मॉरल आर्ग्यूमेंट रेजेस क्वेश्चन अबाउट द कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज विद द एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड. हम हर जगह देखते हैं कि छोटी मोटी ईविल या सफरिंग नहीं है,
मतलब बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ ईवल चैलेंजेस द नोशन ऑफ एन ऑल पावरफुल ऑल नोइंग एंड बेनेवोलेंट गॉड इन द फेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉरल ईवल्स. अगर गॉड है तो हम क्यों ईवल को फेस कर रहे हैं, क्यों इतना सफरिंग है, इतना पेन है, टॉर्चर है, स्ट्रगल है. सो द प्रॉब्लम ऑफ ईवल कम्स इन वेरियस फॉर्म सच एज द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल विच आर्ग्यू दैट द को एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड ईवल इज लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी एंड द एविडेंशियल प्रॉब्लम ऑफ ईवल विच कंटेंट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग मेक्स बिलीव इन एन ऑल गुड गॉड अनलाइकली. तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज करके भी समझ सकते हैं. नाउ द वेरिएशन ऑफ मॉरल आर्ग्यूमेंट. तो मॉरल आर्ग्यूमेंट के कुछ वेरिएशन हैं, हालांकि कहीं ना कहीं ये कोर मॉरल आर्ग्यूमेंट में ही इंक्लूड है. फर्स्ट इज डिवाइन कमांड थ्योरी. वन वर्जन ऑफ द मॉरल आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवाइन कमांड थ्योरी विच असर्ट दैट मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटी आर ग्राउंडेड इन गॉड्स कमांड. क्योंकि ये जो हमें मॉरल वैल्यूज़ दी गई हैं ये किसने, ईश्वर के निर्देश हैं ये. सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू गॉड्स कमांड डिटरमाइन व्हाट इज मॉरली राइट, व्हाट इज मॉरली रॉन्ग एंड आर मॉरल ऑब्लिगेशंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम डिवाइन अथॉरिटी. ये था डिवाइन कमांड थियरी. अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है. क्रिटिक ऑफ डिवाइन कमांड थियरी रेज द यूथिफ्रो डायलेमा फॉर्मुलेटेड बाय प्लेटोज डायलॉग. तो ये एक आप इसको नाम दे सकते हैं. क्यों, क्योंकि प्लेटो ने प्लेटो के एक डायलॉग था यूथिफ्रो और उसी में ये डायलेमा बताई गई है विच चैलेंज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मोरालिटी. द डायलेमा आस्क वेदर समथिंग इज मॉरली गुड बिकॉज गॉड कमांड्स इट. आप इसको समझिएगा, क्यों कह रहे हैं कि समथिंग इज मॉरली गुड, कुछ अच्छा है, कुछ नैतिक रूप से अच्छा, क्यों, क्योंकि ईश्वर ने इसका आदेश दिया है. और वेदर गॉड कमांडेड बिकॉज इट इज मॉरली गुड, कि ईश्वर ने उसका आदेश दिया इसलिए वो अच्छा है. मतलब क्या है, अच्छा है इसलिए गॉड ने आदेश दिया है, या गॉड ने आदेश दिया है इसलिए वो नैतिक रूप से अच्छा है. सो इफ मॉरेलिटी इज डिपेंड ऑन गॉड्स आर्बिटरी कमांड देन मॉरल प्रिंसिपल बिकम आर्बिटरी एंड लैक ऑब्जेक्टिव ग्राउंडिंग. तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड इफ गॉड कमांड समथिंग बिकॉज इट इज इनहेरेंटली गुड देन मॉरेलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड्स कमांड. अगर हम ये मान लें कि गॉड इसलिए कमांड देते हैं कि नैतिक नियम पहले से ही अच्छे हैं, तो फिर गॉड कमांड की जरूरत ही क्या है, वो तो है ही अच्छे. सेकेंड वर्जन इज मॉरल रियलिज्म. अनदर वर्जन ऑफ मॉरल आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन मॉरल रियलिज्म विच होल्ड्स दैट ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन बिलीफ एंड ओपिनियन. प्रोपोनेंट ऑफ दिस वर्जन आर्ग्यू दैट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन for the existence of objective moral value is the existence of God as the transcendent source that ground these value. तो ये है आपका सेकेंड कि हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो moral values हैं वो human belief और opinion से independent हैं, वो उसने नहीं बनाई. अब इसकी criticism क्या है. Critique of this version contend that the existence of objective moral value does not necessarily require a divine foundation. Secular ethical theories such as naturalism or moral realism without God propose that moral value can be grounded in human reason, empathy or social cooperation. ये जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. So these theories provide alternatives explanation for objective moral value without invoking a transcendent source. ये तो हो गया moral argument. ठीक है, ये चार argument हमने पढ़ लिए. एक और आपको argument introduce हो सकता है, कहीं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, argument from religious experience. So the argument from religious experience assert that personal experience of individual such as mystical encounters or profound spiritual insight provide
एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि कहते ना कि मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, मुझसे ऐसा कहा गया, मिस्टिकल, रहस्यात्मक, किसी को पता नहीं चलता है ना, आपके अंदर की इंट्यूशन ऐसा बोल रही है, तो कहते हैं कि उससे प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं गॉड है. प्रोपोनेंट आर्ग्यू दैट रिलीजियस एक्सपीरियंस आर डायरेक्ट इनकाउंटर विद द डिवाइन एंड सर्व एज अ बेसिस फॉर बिलीफ इन गॉड, कि ये आधार है उनका कि उनको पता चल रहा है कि ईश्वर उनसे कनेक्टेड हैं या गॉड उनको दिखते हैं या उनसे बात करते हैं या वो जैसे भी उनको फील करते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली गॉड है. नाउ क्रिटिसिज्म, क्रिटिक ऑफ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलीजियस एक्सपीरियंस पॉइंट आउट दैट रिलीजियस एक्सपीरियंस आर सब्जेक्टिव एंड वेरी क्रॉस डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन एंड कल्चर, कि रिलीजियस एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव है. डेफिनेटली किसी रिलीजन में कुछ और एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी में कुछ और हो सकता है. जैसे हिंदू में कृष्ण का मान लो आपको दर्शन हो रहे हैं, है ना, सो मुस्लिम में अल्लाह के हो सकते हैं. इस तरह से कहीं ना कहीं जो टर्मोलॉजीज हैं, थ्योरीज हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो अलग हो जाते हैं. और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि किसी का रिलीजियस एक्सपीरियंस कितना स्ट्रॉन्ग है, किसी का कितना लाइट है, तो आप उसे ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू से कनेक्ट नहीं कर सकते. डिफरेंट रिलीजियस एक्सपीरियंस में लीड टू कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव अबाउट द नेचर ऑफ गॉड, लीडिंग सम टू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी एंड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ सच एक्सपीरियंस एज एविडेंस फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस. तो इस तरह से हमारा ये जो क्रिटिसिज्म है और जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरा हुआ. सो इन कंक्लूजन, द डिबेट सराउंडिंग थियस्टिक आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू टू बी ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू फिलोसोफर, थियोलॉजिशियन एंड स्कॉलर्स. द सर्च फॉर आंसर अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस रिमेन्स अ डायनेमिक एंड एंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी. As with any profound and deeply philosophical subject, the question of God's existence continues to be a matter of personal conviction, belief and reflection. तो ये ऐसा नहीं है कि ये theory थी जो पढ़ा दी गई है. Time के साथ definitely वो चीज़ें update होती चली जाती हैं. So इस तरह से आपका ये जो पूरा topic है, the argument for the existence of God, ये complete. Thank you so much.